भाई अर्ज किया है भाई, हमें सेट ऑफ बॉक्स चाहिए, कोई अच्छा सा सेट ऑफ बॉक्स बताएं भाई। हमें सेट ऑफ बॉक्स चाहिए, कोई अच्छा सा सेट ऑफ बॉक्स बताएं यार। हम सलमान खान थोड़े ही हैं जो हर चीज में हाथ आजमाएं। तो फाइनली दोस्तों बात करेंगे आज बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज़ की, जो आप जून के मंथ में यार वो परचेज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ नई एंट्रीज भी होंगी दोस्तों जून के मंथ में, लेकिन वो जो वीडियो है मैं बाद में आपको एडिट करके दे दूंगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको 15-20 दिन के अंदर कोई फ़ोन चाहिए तो भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम आपके आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, तो भाई आपके लिए यार इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर देना। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन ले सकते हो दोस्तों, सैमसंग का गैलेक्सी M30। अब जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो उसकी जो प्राइसिंग है इस फोन की वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इंक्रीज हो गई थी। फिलहाल फ्लिपकार्ट अमेजन पर आपको ये फ़ोन है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सैमसंग की वेबसाइट पर जब मैं दोस्तों गया हूँ तो 10,035 रुपये में आप इस फ़ोन का 3/32 वाला वेरियंट है वो खरीद सकते हो। अब आप कई बार यार कमेंट करते हो कि भाई मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो भाई देखिए फ़ोन की प्राइसिंग यार वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता 20 दिन बाद ये फ़ोन आपको 8,000 रुपये में देखने को मिल जाए, या क्या पता इसकी प्राइसिंग 15,000 हो जाए। तो इसमें हम क्रिएटर्स की भाई गलती नहीं होती है, ये बेसिकली यार कंपनी ये फ़ोन की प्राइसिंग को कम ज़्यादा है वो करती रहती हैं। जो आज की डेट में प्राइसिंग है उस हिसाब से दोस्तों मैं वीडियो है तो वो बना देता हूँ। तो बहुत सारे लोग यार कमेंट में गलत बातें करते हैं, कुछ अपशब्द बोलते हैं, तो यार ऐसा यार प्लीज़ आप ना करें। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो यहाँ पर दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलती है 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले, जो आपको इस सेगमेंट में और किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलती है। 13+8+5 मेगापिक्सल के आपको ट्रिपल रियर कैमरास देखने को मिलते हैं, 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, तो कैमरा के मामले में फोन अच्छा है। साथ में दोस्तों 5000 mAh की आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है, टाइप सी पोर्ट है, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग है। बाकी सैमसंग के स्मार्टफोन है तो ब्रांड वैल्यू दोस्तों थोड़ी बहुत ऐड आपकी हो ही जाएगी। अगर आप दोस्तों नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम पर कंटेंट देखने के शौकीन है, ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करते हैं, मूवीज़ वूवीज़ देखते हैं, डेफिनेटली भाई मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाले फ़ोन के साथ चले जाइए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगी अगर आपको सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए इस सेगमेंट में। तो इसके अलावा अगला ऑप्शन है दोस्तों मोटो का 1 मैक्रो। पर्सनली यार ये स्मार्टफोन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको अंडर 10,000 रुपीज़ 4GB और 64GB वाला वेरियंट है वो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे स्पेक्स आपको इस फोन के देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो। 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, माइक्रो USB का पोर्ट है, नॉर्मल चार्जिंग है, लेकिन प्लस पॉइंट है कि हेलियो का P70 वाला चिपसेट आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। लगभग 1.5 लाख के आसपास आपको स्कोर इस फोन के देखने को मिलेंगे लेटेस्ट वर्जन 8 में। बाकी 6.3 इंच के आसपास की आपको HD+ की IPS LCD डिस्प्ले वो देखने को मिल जाएगी। बैक डिज़ाइन दोस्तों मोटो के जो फोन्स के हमेशा होते हैं ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों 13+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमराज देखने को मिलेंगे, 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलेगी। ओवरऑल दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑप्शन अगर आपको 4/64 वाला वेरियंट चाहिए, ये कोई अच्छा सा स्टॉक एंड्रॉइड के साथ, डेफिनेटली दोस्तों आप इस स्मार्टफोन के साथ भी जा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पर रियलमी का 5, और काफ़ी यार बेहतरीन स्मार्टफोन दोस्तों मुझे ये लगा है। क्वेड रियर कैमराज आपको इस फोन में देखने को मिलेंगे, जो कि हैं दोस्तों 12+8+2+2 के, बाकी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, तो कैमरा के मामले में फोन काफ़ी डिसेंट आपको देखने को मिलता है। 5000 mAh की दोस्तों बड़ी बैटरी आपको फोन में देखने को मिलेगी, माइक्रो USB का पोर्ट है, नॉर्मल चार्जिंग है। बाकी आपको इस फोन में स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलेगा, तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, स्नैपड्रैगन का आपको विश्वास यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों कहें तो HD+ के डिस्प्ले के साथ आपको ये फोन देखने को मिलेगा, आप यार इसको भी ले सकते हो। 10,000 के अंदर आपको 3/32 वाला वेरियंट है वो देखने को मिलेगा, बाकी आप कार्ड डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हो तो आपको थोड़ा और कम में दोस्तों ये स्मार्टफोन है वो देखने को मिल सकता है। तो इस ऑप्शन को भी दोस्तों आप नज़र में निकाल सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों बजट के किंग की बात आती है, वो है दोस्तों Realme Narzo 10A। यार ये वाला स्मार्टफोन भी आप कंसीडर कर सकते हो, हेलियो का G70 आपको चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी आप बेटर बोल सकते हो इस प्राइस सेगमेंट में है। इसके अलावा दोस्तों 6.5 इंच की HD+ की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, पॉलीकार्बोनेट की बैक है, 12+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का आपका फ्रंट कैमरा है, तो कैमरा के मामले में थोड़ा वीक है, बाकी परफॉर्मेंस में काफ़ी सही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा HD+ की डिस्प्ले तो है ही है, लेकिन साथ में दोस्तों 5000 mAh की बड़ी बैटरी भी आपको देखने को मिलेगी, तो बैटरी बैकअप काफ़ी आपको सही मिलेगा, माइक्रो USB का पोर्ट है, नॉर्मल चार्जिंग है। तो इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों इस वजह से मैंने इसको लिस्ट में शामिल किया है, 3/32 वाला वेरिएंट आपको 8,500 रुपये के आसपास है वो देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डील, अगर आपका बजट कम है डेफिनेटली आप इसकी तरफ यार जा सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारे चैंपियंस स्मार्टफोन की, जो कि है दोस्तों Redmi का Note 7S और Vivo का U10।
दोनों ही स्मार्टफोन दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेक्स के साथ आपको देखने को मिलते हैं। दोनों को मैंने टॉप पर रखा है क्योंकि दोनों में कुछ माइनस पॉइंट भी और कुछ प्लस पॉइंट भी है। जानते हैं दोस्तों सबसे पहले वीवो के U10 में आपको दोस्तों HD प्लस की डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 6 इंच से ऊपर की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। IPS पैनल आपको देखने को मिलेगा। बाकी डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन कौन सी यार, ये यार इतनी ज़्यादा मेंशन नहीं की कंपनी ने। बैक में पॉलीकार्बोनेट की आपको बैक मिलती है। ट्रिपल रियर कैमराज है दोस्तों। 13+8+2 मेगापिक्सल के आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस आपको इस फोन में देखने को मिलता है जो कि प्लस पॉइंट है। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। स्नैपड्रैगन का 665 आपको देखने को मिलता है। प्लस पॉइंट है दोस्तों इस फोन की बैटरी, जहां पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। माइक्रो USB का पोर्ट है, लेकिन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है आपको इस फोन में देखने को मिलेगी। साथ में आपको चार्जर है वो बॉक्स में देखने को मिलता है। इस वजह से दोस्तों ये टॉप में आपको फोन देखने को मिलेगा। ओवरऑल गेमिंग की दृष्टि से देख लो, कहीं से भी देख लो, फोन काफी ज्यादा बेटर आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको U10 पसंद नहीं है तो आप डेफिनेटली Redmi Note 7S की तरफ जा सकते हो। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये फोन इस प्राइस सेगमेंट का सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। ग्लास की बैक आपको बैक फ्रंट दोनों तरफ देखने को मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। डुअल रियर कैमरा आ जाए तो इसमें पीछे है, लेकिन जो कैमरा की क्वालिटी है इस प्राइस में सबसे अच्छे कैमरा आपको देखने को मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। तो कैमरा इस फोन के काफी डिसेंट है। बाकी टाइप सी का पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी है। फास्ट चार्जिंग को फोन दोस्तों ये सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 10 वाट का चार्जर है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर माइनस पॉइंट है, लेकिन प्लस पॉइंट है कि आप एक्स्ट्रा में चार्जर खरीद के इसको फास्ट चार्ज 18 वाट का वो कर सकते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों एक ऐड हो जाता है एडवांटेज। तो इसके बाद प्लस पॉइंट दोस्तों इसमें एक और है कि आपको यहाँ पर 6.2 इंच के आसपास की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। इस प्राइस में फुल HD डिस्प्ले आपको किसी भी फोन में देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों, अच्छे स्पेक के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसीलिए दोस्तों मैंने इसको टॉप स्मार्टफोन की लिस्ट में शामिल किया है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 660 है। इन कंपेरिजन स्नैपड्रैगन 665 के कोई ज़्यादा आपको डाउनग्रेड देखने को नहीं मिलता है। कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस में तो दोस्तों बहुत माइनर से आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं, तो इसको भी दोस्तों आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी ओवरऑल फोन दोस्तों ये काफ़ी कमाल का आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यार ये सारे स्मार्टफोन थे जो मैंने लिस्ट में ऐड कर लिए। बाकी आप अपनी तरफ से मुझे कुछ स्मार्टफोन बताइए ताकि लोगों को पता चल सके कि वो स्मार्टफोन भी दोस्तों लोग हैं वो परचेज कर सकें। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। काफ़ी गर्मी है दोस्तों, लगभग 45 डिग्री के आसपास तापमान है और बिना पंखे के यार मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस बात पर आप लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल सके। इसमें इतना ही, वीडियो में आपसे फिल्म लगाते हुए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो सारी फोन्स की लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो।